हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमान इंटीग्रल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आइए डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट हमारा है पार्टीशन पार्टीशन क्या होता है किसी भी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल का जब हम पार्टीशन करते हैं तो उसमें हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो उनका सेट जो होता है वो एक फाइनाइट ऑर्डर सेट उनका पार्टीशन कहलाता है पॉइंट्स का और हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर क्लोज इंटरवल ए और बी के लिए हम पार्टीशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट लिमिट होगी यानी कि एक्स जीरो की वैल्यू हमेशा लेस होगी सभी वैल्यूज से और सबसे ग्रेटर वैल्यू एक्शन होगी जो कि बी के इक्वल होगी फिर हम बात करते हैं कि रिफाइनमेंट क्या होता है पार्टीशन का अब हम कंसीडर करते हैं कि इसी क्लोज इंटरवल ए बी में कोई भी दो पार्टीशन इस तरीके से हैं कि पी जो है क्यू का सबसेट है देन क्यू को हम क्या कहते हैं रिफाइनमेंट ऑफ पी और अगर पी वन और पी टू क्लोज इंटरवल ए बी के कोई दो पार्टीशन हैं देन पी वन यूनियन पी टू को कॉमन रिफाइनमेंट कहते हैं इसके बाद इस चैप्टर का मोस्ट टॉप पॉइंट है यहाँ पर कि लोअर एंड अपर सम क्या होता है देखिएगा जब लोअर सम को हम डिफाइन करते हैं तो लोअर सम सिंपली एल पी एफ से डिनोट किया जाता है जिसकी वैल्यू होती है समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन स्मॉल एम के एक्स के माइनस एक्स के माइनस वन और यहाँ पर जो अपर सम डिफाइन होता है उसकी वैल्यू होती है यू पी एफ इज़ इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम के एक्स के माइनस एक्स के माइनस वन और यहाँ पर स्मॉल एम के और कैपिटल एम के क्या हैं तो इनकी वैल्यूज यहाँ से आप देख सकते हैं स्मॉल एम के की वैल्यू निकलती है एनम ऑफ एफ एक्स सज दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स के माइनस वन कॉमा एक्स की एंड जो कैपिटल एम के की वैल्यू होगी वो इसी का सुप्रीमम हो जाएगी तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि लोअर सम एंड अपर सम को सिंपली हम डिनोट करते हैं एल पी एफ एंड यू पी एफ से एल पी एफ एंड यू पी एफ फिर इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स दी हुई हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जैसे कि पहली थ्योरम हमारी है थ्योरम इज इफ फंक्शन इज बाउंडेड एंड पी इज एनी पार्टीशन ऑफ आई देन लोअर सम इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू अपर सम अगर कोई भी क्लोज इंटरवल का सेट रियल नंबर में बिलोंग करता है और बाउंडेड है तो किसी भी पार्टीशन के लिए किसी भी पार्टीशन के लिए अगर क्यू पी का रिफाइनमेंट है देन जो लोअर सम ऑफ पी एफ होगा वो हमेशा लोअर सम क्यू एफ से क्या होगा लेस आर इक्वल होगा और जो अपर सम ऑफ क्यू कॉमा एफ होगा वो लेस आर इक्वल होगा अपर सम ऑफ पी कामा एफ डिफरेंस क्या है यहाँ पर देखिएगा जो पी और क्यू हैं दोनों ही पार्टीशन हैं क्यू क्या है पी का रिफाइनमेंट है इस केस में जो लोअर सम है पी का वो लोअर सम ऑफ़ क्यू से लेस आर इक्वल होगा एंड अगर अपर सम की हम बात करते हैं तो अपर सम क्यू का लेस आर इक्वल हो जाएगा पी से फिर इसी में हमारी सेकंड थ्योरम ये है कि अगर कोई भी फंक्शन है रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है देन वो बाउंडेड है और पी वन और पी दो पार्टीशन उसके दिए हुए हैं उस क्लोज इंटरवल के देन हम कहेंगे कि जो लोअर सम होगा पी वन एफ का वो लेस देन होगा अपर सम से इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लोअर है यानी लेस है और अपर है तो वो ग्रेटर होगा बट याद ये रखना है हमें कि P1 और P2 दो पार्टीशन होने चाहिए उस बाउंडेड फंक्शन के फिर इसके बाद में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं पार्टीशन पे ही हैं रिफाइनमेंट पर अगर P1 और P2 दो पार्टीशन है और Q रिफाइनमेंट है दोनों का यानी P1 का भी रिफाइनमेंट है इसी के साथ साथ कि P2 का भी रिफाइनमेंट है देन कंडीशन हम चारों कंडीशन ये तैयार रखेंगे कौन सी कंडीशन हैं पहली ये कि लोअर सम पी वन एफ का लेस आर इक्वल होगा लोअर सम ऑफ क्यू वन एफ और ये और लेस आर इक्वल होगा अपर सम ऑफ क्यू एफ एंड लेस आर इक्वल अपर सम ऑफ पी टू एफ फिर सुप्रीमम और इन्फ्यूम के लिए पॉइंट दिया हुआ है कि अगर एम और एम स्मॉल एम कैपिटल एम क्या है सुप्रीमम है और इन्फीम है किसके फंक्शन एफ के देन अगर पी कोई भी पार्टीशन हो तो यहाँ पर यह कंडीशन फॉलो होती है स्मॉल एम बी माइनस ए लेस आर इक्वल लोअर सम ऑफ पी कॉमा एफ एंड लेस आर इक्वल अपर सम ऑफ पी कॉमा एफ इज लेस आर इक्वल कैपिटल एम बी माइनस ए अगर सुप्रीमम वैल्यू है तो वो सबसे ग्रेटर होगी और जो इन्फीमम वैल्यू है वो सबसे लेसर होगी इस तरीके से भी इस पॉइंट को याद रखा जा सकता है देन थर्ड पॉइंट है हमारा अपर सम ऑफ पी एफ एंड लोअर सम ऑफ पी एफ आर बाउंडेड इफ़ एफ इज बाउंडेड अगर हमारा फंक्शन बाउंडेड है तो उसका जो अपर सम होता है और लोअर सम होता है वो भी बाउंडेड हो सकता है यहाँ पर देखिएगा एम सी क्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड है देन लोअर सम या अपर सम बाउंडेड होंगे या फिर नहीं तो हमें ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन बाउंडेड है तो उसका लोअर सम अपर सम दोनों ही क्या होंगे बाउंडेड होंगे अब इसके बाद में आता है एक नया पॉइंट नॉर्म क्या होता है पार्टीशन का जब हम पार्टीशन करते हैं तो हम वहाँ पर कुछ लेंथ्स निकालते हैं जैसे अगर हमारे पॉइंट हैं एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन तो इनकी जो हम लेंथ निकालेंगे जैसे कि डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू डेल्टा एक्स थ्री तो इन लेंथ में से जो भी ग्रेटेस्ट लेंथ होगी उसको हम उस पार्टीशन का नॉर्म कहते हैं और इसको सिंपली इस तरीके से डिनोट किया जाता है नॉर्म ऑफ पी फिर इसके बाद में नया कॉन्सेप्ट आता है अपर एंड लोअर रिमांड इंटीग्रल के लिए अपर सम और अपर इंटीग्रल अलग बातें हैं तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी पार्टीशन के लिए किसी भी पार्टीशन के लिए किसी इंटरवल में अगर कोई फंक्शन बाउंडेड रहता है तो उस फंक्शन की अपर सम को हम कैसे डिनोट करेंगे अपर सम में जो होगा वो सेट का इन्फिमम लिया जाता है और जो लोअर सम होता है उसमें सेट का सुप्रीमम लिया जाता है तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर हम अपर सम का इनफीममम ले रहे हैं देन वो हमारा अपर इंटीग्रल होगा और अगर हम लोअर सम का सुप्रीमम ले रहे हैं देन वो हमारा लोअर इंटीग्रल होगा और सिंपली यहाँ पर इसे हम यू एफ़ और एल एफ से डिनोट करते हैं फिर इससे रिलेटेड थ्योरम्स दी हुई हैं जैसे कि थ्योरम है हमारी कि अगर कोई भी इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है देन फंक्शन के लिए अगर बाउंडेड फंक्शन है देन लोअर इंटीग्रल जो होता है वो अपर इंटीग्रल से इस तरीके से रिलेटेड होता है कि लोअर इंटीग्रल हमेशा लेस और इक्वल होगा अपर इंटीग्रल से देन डॉरबॉक्स थ्योरम ये कहती है कि जो अपर सम होता है वो लेस देन होता है अपर इंटीग्रल में एप्सिलॉन ऐड करने पर एंड जो लोअर सम होता है वो ग्रेटर होता है लोअर इंटीग्रल में एप्सिलॉन माइनस करने पर फिर इसके बाद आता है रिमान इंटीग्रल रिमान इंटीग्रल क्या है रिमान इंटीग्रल की कंडीशन याद रखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि अगर हम लोअर सम करें अपर सम करें और नॉर्मल वैल्यूज़ पर यानी कि नॉर्मल पॉइंट ए कॉमा बी पर हम फंक्शन को इंटीग्रेट करें और ये तीनों ही वैल्यूज़ अगर सेम आती हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन हमारा आर इंटीग्रेबल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो है एल एफ यानी कि लोअर सम और अपर सम दोनों के आने चाहिए इक्वल आने चाहिए और इसी के साथ साथ हमारे फंक्शन की वैल्यू भी उसके इक्वल आनी चाहिए इंटीग्रेट करने पर गिवन पॉइंट्स पर तो ये था हमारा रिमान इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट इसके बाद नेसेसरी एंड सफ़िशेंट कंडीशन दी हुई है इंटीग्रेबिलिटी के लिए तो यहाँ पर नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन के लिए देखेंगे कि अगर हमारा फंक्शन बाउंडेड हो आर आर इंटीग्रेबलिटी के लिए किसी भी बाउंडेड फंक्शन की नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन क्या होती है अगर हम अपर सम में लोअर सम माइनस करते हैं तो वो लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए फॉर एवरी नॉर इज़ लेस देन डेल्टा देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोई भी दो फंक्शन अगर रियल वैल्यूड हो और बाउंडेड हो किसी भी इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में डिफ़ाइन हो देन उनके लिए कंडीशन ये है कि अगर हम लोअर सम करते हैं पी कॉमा समेशन ऑफ़ बोथ द फंक्शंस देन इट इज़ ग्रेटर आर इक्वल लोअर सम ऑफ पी कॉमा एफ वन प्लस लोअर सम ऑफ पी कॉमा एफ़ टू और इसी तरीके से अपर सम के लिए हमारी कंडीशन दी हुई है कि अपर सम ऑफ पी कॉमर एफ वन प्लस एफ टू इज लेस आर इक्वल अपर सम ऑफ पी एफ वन प्लस अपर समी एफ टू फॉर एवरी पार्टीशन बिलोंग्स टू दैट इंटरवल ऑफ पार्टीशन देन इसके बाद हमारा सिक्स पॉइंट है कि इफ फंक्शन इज बाउंडेड डिफाइंड ऑन द इंटरवल एंड पी इज़ एनी पार्टीशन देन यहाँ पर कंडीशन है कि लिमिट हम अप्लाई करेंगे पार्टीशन की वैल्यू अगर टेन करती है जीरो की तरफ देन लोअर सम जो होता है हमारा वो लोअर इंटीग्रल के इक्वल आता है और सेम कंडीशन यहाँ पर अपर सम जो हमारा होता है वो अपर इंटीग्रल के इक्वल आता है फिर हमारा पॉइंट नंबर यहाँ पर सेवन है कि अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड फंक्शन हो देन अगर हम अपर सम करते हैं p कॉमा माइनस एफ का देन इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ लोअर सम p कॉमा एफ एंड सेम कंडीशन अगर हम यहाँ पर लोअर सम करते हैं p कॉमा माइनस एफ का तो ये इक्वल आता है अपर माइनस का अपर सम ऑफ p कॉमा एफ दैन पॉइंट नंबर एट इज़ इफ़ एनी फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल ऑन एनी इंटरवल ए कॉमा बी इफ़ के इज़ एनी कॉन्स्टेंट तो अगर के एफ़ के लिए हम बात करेंगे तो वो भी एक आर इंटीग्रेबल फंक्शन होगा दैट इज़ वेरी इजी एंड पॉइंट नंबर नाइन इज इफ़ एनी फंक्शन बिलोंग्स टू आर एंड आर इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन इंटरवल ए कॉमा बी देन द फंक्शन एफ प्लस जी इज़ ऑल्सो आर इंटीग्रेबल यानी कि अगर बात की जाए कि फंक्शन आपके जो हैं एफ और जी दोनों क्या हों आर इंटीग्रेबल हों देन उनका जो समेशन होगा वो भी आर इंटीग्रेबल होता है और इसी तरीके से कंडीशंस हमारी फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर बनी हुई हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ अप्लाई कर देते हैं तभी ये सारी कंडीशंस फॉलो होंगी देन पॉइंट नंबर टेन इज़ इफ लेट इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल ऑन आई if एफ एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई then the कंडीशन इज़ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो इस कंडीशन को हम याद रखेंगे देन हमारा अगला पॉइंट है कि अगर एफ़ और जी कोई भी दो फंक्शन है जो कि आर इंटीग्रेबल है किसी इंटरवल के अंतर्गत और एफ़ एक्स जो है वो जी एक्स से ग्रेटर है देन हमारी कंडीशन क्या होती है जो हम इंटीग्रेशन करते हैं एफ़ एक्स का किसी भी लिमिट के अंतर्गत वो हमेशा ग्रेटर होगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स से और इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट है कि अगर फंक्शन हमारा आर इंटीग्रेबल है देन किसी भी सुप्रीमम या मिनिमम वैल्यू के लिए इफ़ फंक्शन हमारा सुप्रीमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बीच में लाई करता है देन एम बी माइनस ए इज लेस आर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस आर इक्वल एम बी माइनस ए यहाँ पर एम क्या डिनोट करेगा सुप्रीमम वैल्यू को और इसी के साथ साथ स्मॉल एम क्या डिनोट करेगा वैल्यू को द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल ऑन एनी इंटरवल देन फॉर द लिमिट ए लेस देन सी इज लेस देन बी देन फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल ऑन ए कॉमा सी एंड सी कॉमा बी एंड लिमिट ए टू बी फंक्शन इज इक्वल टू ए टू सी एंड सी टू बी यहाँ पर हम लिमिट का जो है लिमिट को ब्रेक कर देंगे ए से बी तक हमें जाना है बीच में हमारा पॉइंट सी भी आता है तो ए टू सी एंड देन सी टू बी इस तरीके से हमारा फंक्शन ब्रेक हो सकता है आर इंटीग्रेबल के लिए देन पॉइंट नंबर फोर्टीन इज़ इफ़ फंक्शन इज़ आर इंटीग्रेबल ऑन एनी इंटरवल देन मॉडुलस ऑफ एफ इज़ ऑल्सो आर इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू यहाँ पर ये सीधे सी कंडीशन हमें याद रखनी है कि अगर कोई भी आर इंटीग्रेबल फंक्शन है किसी इंटरवल के अंतर्गत तो जो उसका मॉडुलस होगा वो भी आर इंटीग्रेबल होगा बट इसका कन्वर्स सही नहीं होता है फर्दर अगर हम मॉडुलस लेते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी फंक्शन का देन ये लेस आर इक्वल होता है इंटीग्रेशन ए टू बी मॉडुलस ऑफ एफ से पॉइंट नंबर इज एफ इज आर इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन एन इंटरवल देन एफ स्क्वायर इज आल्सो आर इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल